यदि किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है तो उसे जेल जाना ही होगा और जेल की रोटी भी खानी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसी जेल भी है जहां बिना जुर्म किए आप जा सकते हैं और यहां आपको भरपूर जेल का खाना भी खाने को मिलेगा। दरअसल यह जेल नहीं, जेल की शक्ल में एक रेस्टोरेंट है और यह रेस्टोरेंट सिरमौर चौराहा से यूनिवर्सिटी बाईपास रोड में खुटे ही लोटस टावर में है। इस रेस्टोरेंट को यहाँ के लोगों और खासकर कपल्स के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट का नाम फ्लेवर ऑफ जेल है। इस रेस्टोरेंट के ऑनर भरतेंदु सिंह और दीपक गुप्ता हैं। पहले दोनों प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते थे लेकिन उनके मन में हमेशा से खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा थी। उन्होंने रेस्टोरेंट की शुरुआत की। तकरीबन 10 लोगों को ये युवा रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट के लिए रीवा शहर को इसलिए चुना गया क्योंकि रीवा एक ग्रोइंग सिटी है। वैसे तो रीवा में कई सारे रेस्टोरेंट और कैफे हैं लेकिन हमें एक बढ़िया माहौल देना था और हमारा प्रयास यही रहता है कि सही रेट में हम लोगों को कुछ अच्छा खिला पिला सके और लोगों को अच्छी वाइब्स दे सकें। 2 अक्टूबर के दिन हमने रेस्टोरेंट की शुरुआत की। लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कपल्स इस जगह को काफी पसंद कर रहे हैं। भारतेंदु सिंह का कहना है कि रीवा में हमसे अच्छी कोल्ड कॉफी कोई नहीं दे सकता है। हमारे यहाँ कोल्ड कॉफी का रेट भी नॉर्मल है। कुछ ऐसे भी डिश भी हैं जो रीवा में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। छोले कुलचे उनमें से एक डिश है। हमारे यहाँ मिलने वाले छोले कुलचे इटालियन पिज्जा को भी काफी पसंद किया जाता है। भारतेंदु ने बताया कि हम इतना बड़ा मेन्यू लेकर बैठे हैं कि जो चीजें आपको रीवा में कहीं नहीं मिलेंगी वो आपको यहाँ आसानी से सही रेट में मिल जाएगी। इसके अलावा खाना में कई वैरायटी मिल जाएगा। यहाँ लोग चाइनीज, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय फास्ट फूड का भरपूर आनंद उठाते हैं। फ्लेवर ऑफ जेल रेस्टोरेंट सुबह 10:30 से शुरू होकर रात 10:30 तक खुला रहता है। इसके साथ ही लोगों को यहाँ का लुक काफी पसंद आता है। कपल्स को भी उनके आगमन में रेस्टोरेंट का आकर्षक लुक और थीम उन्हें काफी प्रभावित करता है। यहाँ एकदम लाजवाब जेल जैसी फीलिंग मिलती है और खाने के लिए लाजवाब फास्ट फूड भी मिलते हैं। रीवा में यह पहला रेस्टोरेंट है जो आपको जेल जैसी फीलिंग प्रदान करता है। रेस्टोरेंट के इंटीरियर में भी काफी ध्यान दिया गया है। अंदर से रेस्टोरेंट को हूबहू जेल की तरह बनाया गया है जिसमें लोहे की सलाखें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, दीवारों पर वांटेड क्रिमिनल के कार्टून पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसके पहले क्या है, हम लोग जॉब प्रोफाइल पे थे। जॉब के साथ हमें लगा कि हम कुछ अच्छा करें, बिजनेस करें। बिजनेस में क्या होता है, कुछ हम तो डेवलप होते हैं, साथ में हमारे साथ 10 परिवार भी हम लेके चल सकते हैं। तो हमने रीवा इसलिए चुना क्योंकि रीवा एक ग्रोइंग सिटी है। रीवा में कैफे काफी सारे हैं लेकिन हमें एक अच्छी वाइब्स देनी थी, एक अच्छा माहौल देना था, एक बिहेवियर देना था। इसके लिए हमने रीवा चुना और एक सही रेट में अच्छी लोकेशन, अच्छी जगह के साथ, एक अच्छे फील के साथ आप बैठ सके। कोल्ड कॉफी हमसे अच्छी कोई रीवा में दे ही नहीं सकता। जिस रेट पे, जिस प्राइस पे, जिस हम कोल्ड कॉफी दे रहे हैं, कोल्ड कॉफी अच्छी है। हमारे यहाँ के छोले कुलचे अच्छे हैं, सिजलर अच्छे हैं, इटालियन में जा सकते हैं। मतलब तो हम इतना बड़ा मेनू लेके बैठे हैं कि आप जो चीजें आपको रीवा में अवेलेबल नहीं मिलती थी वो चीजें आप सही रेट में, सही प्राइस पे आप दे सकते हैं। कुछ चीजों का नाम बताएं जो बाकी जगह अभी थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन यहाँ पे इसलिए मिल जाती है। छोले कुलचे आपको रीवा में मिलेगा। ये छोले कुलचे हमारे यहाँ के हैं, इटालियन पिज्जा है हमारे पास और चाइनीज का मेनू बहुत बड़ा हुआ है। मॉकटेल्स है, मॉकटेल्स हम रीवा में आके हमें उम्मीद नहीं थी कि मॉकटेल्स पे इतना आगे जाएंगे। मॉकटेल्स हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। कुछ कूलर वगैरह है तो सभी चीजें अच्छी है और रिस्पॉन्स सभी चीजों का अच्छा है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि अनुमान था, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था 15 से 20 तक में कर लेंगे लेकिन लगते लगते वो 25 से प्लस ही चला गया, 25 लाख से ऊपर ही चला गया है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, सही रिस्पॉन्स, सही रिस्पॉन्स है। पब्लिक का भी सपोर्ट है, काफी सपोर्ट है पब्लिक का। स्टूडेंट क्राउड आते हैं, इसके अलावा कुछ ऑफिशियल लोग हैं वो भी आते हैं और आके वो अच्छा ही महसूस करते हैं। दूसरा, कितने लोगों का रोजगार है? 9 लोगों का रोजगार है। हमारी 5 किचन की टीम है, 2 हमारे बाहर है, 2 सफाई वाले हैं। इससे सुबह से आके 9 लोग चलते हैं। काउंटर में बैठने के लिए 1-2 लोग। अभी तो स्टाफ किस जगह पे है? ये
ये रीवा में सिरमौर चौराहा से जैसे यूनिवर्सिटी रोड साइड अपन आएंगे, खुटे ही में लोटस टावर है, लोटस टावर भी है।